हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों में की गई फीस बढ़ोतरी का एनएसयूआई विरोध कर रही है। फीस वृद्धि को लेकर सिरमौर जिला एनएसयूआई इकाई ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। एनएसयूआई ने सरकार व विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार व विश्वविद्यालय प्रबंधन आम लोगों और छात्रों को लूटने का काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों में की गई फीस बढ़ोतरी को लेकर एनएसयूआई विरोध कर रही है। मीडिया से बात करते हुए सिरमौर जिला एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विपुल शर्मा ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 2013 व 2016 के बीच के बैच को डिग्री पूरा करने के लिए प्रति सेमेस्टर फीस 5,000 रुपए रखी गई थी, जो आम छात्र वहन नहीं कर पाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पंचायत सहायक की भर्ती के लिए भी विश्वविद्यालय द्वारा सामान्य वर्ग के लिए फीस 1,200 रुपए रखी गई है। उन्होंने कहा कि इस फीस वृद्धि का एनएसयूआई लगातार कड़ा विरोध कर रही है। विपुल शर्मा ने सरकार व विश्वविद्यालय प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ाई लड़ रहा है, दूसरी तरफ प्रदेश सरकार और प्रशासन आम लोगों व छात्रों को लूटने का काम कर रहा है। एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय द्वारा प्रति सेमेस्टर फीस व पंचायत सहायक भर्ती के लिए निर्धारित फीस कम करने की मांग की है, ताकि लाखों बेरोजगार युवाओं को इस आपदा के समय लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से जिनकी 2013 और 2016 के बीच छात्रों की डिग्री किसी कारणवश पूरी नहीं कर पाए थे, उनके लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। लेकिन एनएसयूआई जो आज डीसी सिरमौर के माध्यम से ज्ञापन दे रही है, हम कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा प्रति सेमेस्टर 5,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार को यह सोचना होगा कि जिस प्रकार से पूरा विश्व कोरोना महामारी में लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और प्रशासन और सरकार ने मिलकर छात्रों को लूटने का जो ये कार्य किया है, जिसमें प्रति सेमेस्टर 5,000 रुपये रखा गया है, इसकी एनएसयूआई कड़ी निंदा करती है और डीसी सिरमौर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को ज्ञापन सौंप कर हम यह मांग करते हैं कि यह जो 5,000 रुपये की फीस रखी गई है, उसे अतिशीघ्र कम की जाए, अन्यथा एनएसयूआई कुछ दिनों में इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी और धरने प्रदर्शन भी करेगी। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंडर जो पंचायत सहायक की जो पोस्टें निकाली गई है एचपी द्वारा, जिसे भर्ती की जा रही है, जिसकी सामान्य फीस 1,200 रुपये रखी गई है, जिसकी एनएसयूआई कड़ी निंदा करती है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 1,200 रुपये बहुत ही अधिक है, क्योंकि जैसा आजकल आपको पता है कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों के रोजगार छीन गए हैं, कमाई के साधन कम हो गए हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को छात्रों के लिए कुछ सोचना पड़ेगा और फीस वृद्धि जैसी इन मुद्दों पर निर्णय लेने पड़ेंगे। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।